हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनील हाइड्रोपोनिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक के अंदर कोकोपीट बफरिंग को लेकर के। क्या कोकोपीट की बफरिंग करना बहुत ज़रूरी है? अगर हम कोकोपीट की बफरिंग ना करें तो उसके लिए हमें क्या नुकसान हो सकता है? अगर हम करें तो क्या फ़ायदा हो सकता है? और क्या ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या नहीं? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, कोकोपीट की बफरिंग होती क्या है? कोकोपीट की जो बफरिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक पानी के अंदर कुछ परसेंट कैल्शियम नाइट्रेट को घोल लेते हैं और उसके बाद क्या है कि हम उस पानी के अंदर अपने कोकोपीट को भिगो देते हैं। लगभग दो दिन उसको भीगने के पश्चात हम कोकोपीट को निकालते हैं, उसको साफ पानी से धोते हैं जिसका TDS कम होता है, और उससे कोकोपीट को फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उस कोकोपीट को हम यूज़ करते हैं, चाहे हमने पौधों का ट्रांसप्लांट करना हो या फिर हमने कोई भी सीडलिंग करनी है। तो इस प्रोसेस को बफरिंग बोलते हैं। अब बफरिंग के को लेकर मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या है वो आज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, देखिए, कोकोपीट बफरिंग के बारे में कुछ दिनों पहले तक मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और देखिए, जो बात सही है उसको सही बोलना चाहिए और जो बात गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। तो जो मैंने मेरे साथ हुआ, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं उस आधार पर बात करता हूँ, बल्कि ना कि ऐसा जो किताबों में लिखा है या जो लोग एक दूसरे को कॉपी करके बोलते हैं, ऐसा मैं बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो बफरिंग को लेकर मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास, जो हमारे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, वो पूछते हैं क्या हमें कोकोपीट की बफरिंग करना चाहिए, क्या ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले तक मेरे को कोकोपीट की बफरिंग के बारे में पता भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था बफरिंग क्या होता है। लेकिन जब मैंने YouTube पे इसके बारे में सर्च किया, थोड़े से कुछ वीडियोस देखे या कुछ लोगों के व्यूज़ देखे, तो मुझे पता लगा कि हमें हाइड्रोपोनी में कोकोपीट की बफरिंग भी करना चाहिए। और फ्रेंड्स, देखिए, पिक्चर देखिए, जो भी ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप देख रहे हो, ये जितने भी प्लांट्स मैंने तैयार किए हुए हैं ये विदाउट बफरिंग के मैंने तैयार किए हुए हैं। ये किसी भी तरह के वेजिटेबल आप यहाँ पर प्लांट्स देख सकते हैं। इसमें आप टमाटो भी हैं, जो है लीफी वेजिटेबल्स भी है, मैंने मटर भी तैयार किया है, ककड़ी भी तैयार किया है, कुकुम्बर भी तैयार किया है, कोरिएंडर भी तैयार किया है, और भी बहुत तरह के फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, बंद गोभी, फुल गोभी, सब मैंने ये तैयार किए हुए हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी भी ना तो बफरिंग के बारे में पता था और ना ही मैंने कभी बफरिंग किया था, और उसके पश्चात भी ये प्लांट्स जो है मेरे इतने अच्छे से ग्रो हुए हैं। ना इनके कलर्स में कोई फ़र्क आया, ना ही इनकी कोई क्वालिटी में फ़र्क आया, और ना ही मेरे को कोई महसूस हुआ। तो जब लोगों का मेरे पास बार बार क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि हमें बफरिंग करना ज़रूरी है, बफरिंग करना ज़रूरी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस बात को तो नहीं नकारूंगा कि प्लांट्स की जो है, कोकोपीट की जो है, बफरिंग करना ज़रूरी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बगैर बफरिंग के जो है हम प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बगैर बफरिंग के ही सभी प्लांट्स को ग्रो किया है। तो अब इसका क्या मतलब हम निकालें, क्या कैलकुलेशन निकालें कि हमें बफरिंग की ज़रूरत है या नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली डेमो हम करने वाले हैं। आज हम दो अलग अलग कोकोपीट लेंगे और एक कोकोपीट की हम बफरिंग करेंगे और एक कोकोपीट की हम बफरिंग नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर हम उनमें सेम वेजिटेबल्स लगाएंगे और अलग अलग सेटअप्स के अंदर सेम TDS के अंदर उनका ट्रांसप्लांट करेंगे। उसके बाद फिर हम रिजल्ट देखेंगे कि बफरिंग वाले का कुछ अलग से रिजल्ट आता है या नहीं आता है, या फिर हम जो है विदाउट बफरिंग वाला है उसका कैसा रिजल्ट आता है। तो क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम नहीं करके देखेंगे, तो हमें पता चलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड, चलिए अब हम चलते हैं अपने कोकोपीट के पास और इसको एक प्रैक्टिकली करके देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है दो अलग अलग बकेट के अंदर पानी लिया हुआ है और कोकोपीट हमने लिया हुआ है। अब हम एक बकेट के अंदर बफरिंग वाला सॉल्यूशन तैयार करने वाले हैं और एक बकेट के अंदर हम सिंपल कोकोपीट डालने वाले हैं। तो ये हमने लिया है कैल्शियम नाइट्रेट, और इसके अंदर हम अपना बफरिंग के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कैल्शियम नाइट्रेट की, वो हम लगभग आइडिया से एक चम्मच इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डाल देते हैं और इसको अब हम अच्छे से घोल देते हैं। Thank you.
अब इसके अंदर ये कैल्शियम नाइट्रेट अच्छे से घुल चुका है, ये बिल्कुल इसमें पानी में मिल चुका है। और अब हम इसके अंदर डालते हैं कोकोपीट। ये गोल वाली जो बकेट है इसके अंदर हमने कैल्शियम नाइट्रेट डाल के इसके अंदर कोकोपीट को भीगने के लिए छोड़ दिया है, जो लगभग हम 2 या 3 डेज के बाद इसको इसमें से निकालेंगे। और ये सिंपल पानी है जो हमारा आरओ वाटर है। अब इसके अंदर हम कोकोपीट को डाल देते हैं। अब हमने ये दो सॉल्यूशन यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए हैं। दो तरह कोकोपीट हमने भिगोया है, एक में कैल्शियम नाइट्रेट का पानी है और दूसरे के अंदर हमने सिंपल कोकोपीट लिया है। तो 2-3 दिन के बाद मैं इसको निकालूंगा और इस कोकोपीट को अच्छे पानी से वॉश करके और फिर जो बफरिंग वाला है इसको मैं सुखाऊंगा और इसको मैं नहीं सुखाऊंगा और इसमें फिर पौधों का ट्रांसप्लांट करेंगे। पौधों का ट्रांसप्लांट करने के बाद या मैं इसमें सीडलिंग करूंगा। पहले मैं इस कोकोपीट में कुछ लीफी वेजिटेबल्स का सीडलिंग करने वाला हूँ और सीडलिंग करने के बाद फिर हम इसको अलग से रखेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे और चेक करेंगे कि किसका बेहतर रिजल्ट आता है, और बफरिंग वाले का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है या ये भी इसका अच्छा ज़्यादा रिजल्ट आता है विदाउट बफरिंग का, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।